नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाणा डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा अभी अभी 9 नए नोटिस जारी किए गए। साथियों, जी हां साथियों, 9 बड़े धमाके कर दिए गए हैं। अगर आप इन बड़े धमाकों और 9 नए नोटिसों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जो आपको सभी प्रकार की भर्तियों से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले और रेगुलर प्रोवाइड करवाता है। चलिए साथियों, अब देख लेते हैं, क्योंकि ये नोटिसों के बारे में अभी अभी ये नोटिस आए हैं, 1-2 मिनट पहले ही सबसे पहले आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा रही है। तो साथियों, कल रक भर्ती से रिलेटेड भी एक ज़रूरी नोटिस जारी किया गया है। जिन भी साथियों का DV चल रहा है और वो कैंडिडेट ये साथियों कलरक भर्ती से रिलेटेड हैं तो वो ये नोटिस देखे बिना ना जाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी नोटिस है। उससे पहले ये साथियों अभी अभी डिटेल रिजल्ट जारी किए गए हैं 11 कैटेगरी के। कौन कौन सी कैटेगरी हैं? 12/2019 एडवर्टाइजमेंट की कैटेगरी नंबर 55, जिसमें क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है प्रैक्टिकल की, और क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर थ्योरी का जो कैटेगरी नंबर 54 है, इसका डिटेल रिजल्ट भी जारी कर दिया है। साथियों, इनके जो रिज़ल्ट है वो अभी 1-2 दिन पहले ही जारी किए गए थे कुछ भर्तियों के, तो ज़्यादा दिन नहीं हुए साथियों किसी भी भर्ती के रिज़ल्ट जारी किए हुए। कैटेगरी नंबर 14/12/2019 एडवर्टाइजमेंट की, ये भी अभी रिज़ल्ट आया था। इसके अलावा कैटेगरी नंबर 48 और 49, कैटेगरी नंबर 51 और 52, इनके डिटेल रिज़ल्ट की जो PDF हैं वो या तो आप ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर लें, या फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये सभी PDF उपलब्ध करवा दी जाएंगी। टेलीग्राम चैनल से आप PDF डाउनलोड करके और अपनी जो विस्तृत जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 12/2019 एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी नंबर 53, 34, 15 और 27। इसके अलावा साथियों, जो कलरक भर्ती का नोटिस जारी किया गया है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं और आपको विस्तार से दिखा देते हैं क्या उस नोटिस में बताया गया है। साथियों, DV से रिलेटेड ये नोटिस है, शेड्यूल में क्या बदलाव किया गया है वो देख लेते हैं। सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स नोटिस, ये देखिए साथियों, पोस्ट है कलरक, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 कैटेगरी नंबर 1। इसमें बताया गया है साथियों कि जिन कैंडिडेटों का 5 जून 2022 को DV होना है, यानी कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं जिनको 5 जून को DV के लिए बुलाया गया है, और उन कैंडिडेटों का UPSC प्री एग्ज़ाम भी है, यानी कि दोनों चीज़ें हैं अगर उस कैंडिडेट की, तो वो कैंडिडेट 5 जून की बजाय 3 जून को अपना DV करवा सकता है परेड ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला के अंदर। लेकिन साथियों, उसको प्रूफ के तौर पर अपना एडमिट कार्ड भी ले जाना होगा। कौन सा एडमिट कार्ड? UPSC प्री का, क्योंकि अगर आपको 5 जून को एग्ज़ाम देना है तो आप अपना एडमिट कार्ड 3 जून को ले जा सकते हैं और DV करवा सकते हैं। इसके अलावा साथियों, जिनका ये एग्ज़ाम नहीं है UPSC प्री का, वो कैंडिडेट अपना जो DV है वो 5 जून को ही करवाएं। और ये साथियों इसलिए नोटिस जारी किया गया है क्योंकि इसके अलावा कोई चांस नहीं दिया जाएगा, उसको उसका कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा अगर कैंडिडेट उपलब्ध नहीं होता है। 3 जून को DV आपका तभी होगा जब आप प्रूफ के तौर के ऊपर जो UPSC प्री का एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाओगे, तभी आपका 3 जून को DV करवाया जाएगा। इसके अलावा आप 5 जून को DV करवा सकते हैं। नो एंट्री विल बी अलाउड एनी कैंडिडेट आफ्टर 11 AM, यानी कि 11 बजे के बाद आपको कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। 28 मई का ये नोटिस अभी जारी किए गए हैं साथियों, 9 नए नोटिस जो आप तक शेयर कर दिए गए हैं। पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सबसे पहले ऐसे ही अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।